नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम देखिए जो बात करने वाले हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट बोरोइंग क्या होता है। कि यानी गवर्नमेंट बोरोइंग मतलब गवर्नमेंट जो उधार लेती है मार्केट से, तो वो किस तरीके से लेती है और क्या कारण होता है। देखिए, हम जो भी मार्केट में देख रहे हैं चीज़ें, तो गवर्नमेंट अपना सरकार चलाने के लिए डेमोक्रेसी में बहुत सारे वादे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं जो उनकी जेब पे काफ़ी भारी पड़ता है। जैसे पेंशन देना, या मान लीजिए सड़क का निर्माण, या गैस फ्री में देना, या 1 रुपये किलो चावल देना, या 2 रुपये किलो चावल देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट से उनको पता चला कि चावल 30 रुपये खरीदना पड़ रहा है, और जब देने की बारी आ रही है तो 2 रुपये किलो देना पड़ रहा है, तो उसमें 28 रुपये तो गवर्नमेंट की जेब से गया। तो ऐसे सोचिए, इतना बड़ा हम लोग का देश है, अगर गवर्नमेंट अपनी जो इस तरह के वादे करती है चुनाव जीतने के लिए, तो इसको जब वो निभाने जाएगी तो उसको कितने पैसे की ज़रूरत होगी, या क्या क्या चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट के पास हमेशा पैसा नहीं होता है, मगर इलेक्शन है, वोट है, डेमोक्रेसी है, तो झूठे वादे, सच्चे वादे, बहुत सारे वादे किए जाते हैं मार्केट में, और उसमें से कुछ को दिखाना भी पड़ता है, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है कि हमने इसमें से कुछ किया। जैसे इससे पहले आवासीय योजना था, इंदिरा आवासीय योजना, जिसमें पता चला कि 1 लाख रुपये आता था तो नीचे वाले को 25,000 मिलता था और बाकी पैसा बीच में खा गए लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट हैं या गवर्नमेंट का सपोर्ट है पाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, बहुत लोगों को फ़ायदा भी पहुंचता है, मगर गवर्नमेंट को लॉस होता है, सीधी सी बात है। तो ऐसे लॉस को पूरा करने के लिए, या मार्केट में जब ऐसे काम करने के लिए पैसे ना हो, तो गवर्नमेंट जो है उधार लेती है। अब गवर्नमेंट का उधार लेने का तरीका हम लोगों की तरफ से थोड़ा दूसरा है। हम लोग जैसे बैंक से लोन लेते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटी बॉन्ड या किसान विकास पत्र, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड इशू करती है, जो अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से वो पब्लिक को सेल करती है। और उसमें लिखा रहता है कि आपका ये मैच्योरिटी 3 साल का होगा या 5 साल का होगा, और इसके बाद आप कितना पैसा उस पर मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने सुना था किसान बॉन्ड के बारे में, जो काफ़ी चला था, लोग खरीदे थे। इंदिरा विकास पत्र एक होता था, उसको भी काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया था। अभी पेट्रोलियम बॉन्ड के नाम से एक बॉन्ड इशू हुआ था। तो ये सारा जो है एक बोरोइंग का तरीका है। पब्लिक जो है इसको खरीद के सिक्योर रहती है कि गवर्नमेंट हमें इतने दिनों बाद, जो मान लीजिए बॉन्ड 11 महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, तो गवर्नमेंट सिक्योर करना पड़ता है पब्लिक को कि इतना पैसा वो देगी, और उसके बिहाफ में जो पब्लिक है उससे वो बॉन्ड खरीदती है, और गवर्नमेंट इस तरीके से पैसा कलेक्शन करती है और पैसा इकट्ठा करती है, और उस पैसा को वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ऐसे योजनाओं में डिस्ट्रीब्यूट करती है, फूड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है, मगर प्रोजेक्ट है और एज ए गवर्नमेंट उसको चलाना होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बोरोइंग का जो प्रोसेस है वो काम होता है। तो ये होता है गवर्नमेंट का उधार लेने का सिस्टम, कि गवर्नमेंट क्या सिस्टम से उधार लेती है। तो ये सिक्योर जोन है गवर्नमेंट के लिए, और जो पैसा गवर्नमेंट ने एक बार कमिटमेंट कर दिया उसको देना पड़ता है। तो इस वजह से पब्लिक के लिए भी ये सिक्योर गेम है, और इस पर फेथ बना रहता है। इसलिए ऐसे बोरिंग जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसा भी डालते हैं, और पैसा उनको मिलता भी है। तो ये आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब गवर्नमेंट क्या उधार लेती है, कैसे उधार लेती है। इसके ऊपर मैंने आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया। ये क्वेश्चन था, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, मगर बहुत सारी चीज़ें हमेशा बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो जनरल लाइफ से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम लोग सब बिजनेस मैन हैं, तो हम लोग सब इंडिया के सिटीजन भी हैं, तो ऐसी चीज़ें जानना हमारा भी थोड़ा अधिकार है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।